बच्चों नमस्कार। पिछले मिनट में मैंने आपको अर्थशास्त्र में संसाधन के रूप में लोग जैसे शुरू किया गया था उसी लेसन को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें प्रश्न आता है क्या आप बता सकते हैं कि जापान एक विकसित देश कैसे बना। जापान एशिया महाद्वीप का एक विकसित देश है। इसे उपदेश सूर्य का देश तथा पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसके निम्न कारण है। यदि भी जापान खनिजों की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ी है किंतु अपनी तकनीकी शिक्षा मानवीय संसाधन अंशों के कारण वह विकसित देश बन गया। इसका पहला कारण है उच्च दौर का औद्योगिक विकास। जापान ने औद्योगिकरण का सीगणे जापान चीन संघर्ष के बाद हुआ। यद्यपि यह प्राकृतिक खनिजों का अभाव है यहाँ खनिज लोहा तांबा वगैरह बहुत कम मात्रा पाए जाते हैं, फिर भी तकनीकी शिक्षा के कारण आयात किए गए खनिजों के बल पर उसने विश्व में अपनी आदर्श स्थिति बना ली है। सेकंड पॉइंट है वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। जापान ने वैज्ञानिक अनुसंधानों में भारी मात्रा में निवेश किया है जिसके फलस्वरूप यहाँ प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से विकास हुआ है। उद्योग धंधे लगाए गए हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपलब्ध प्राकृतिक संपदा। यद्यपि खनियों की दृष्टि से जापान पिछड़ा देश है किंतु वन संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जापान ने अपनी वन संपदा का उचित प्रयोग कर रेशम कागज दिया सिलाई एवं फर्नीचर उद्योगों का विकास किया है जिससे काफी आय होती है। परिवहन एवं संचार सुविधाएं। जापान की परिवहन एवं संचार के साधन उन्नत दशा में है। तीव्रतम रेलगाड़ियों के संचालन एवं निर्यात में जापान वैश्य कहता है। जापान अपनी उच्च तकनीकी शिक्षा के कारण एक विकसित देश बना। उसने भौतिक पूंजी एवं मानवीय पूंजी में अंतर स्पष्ट किया।
ये बौद्धिक पूंजी, भौतिक पूंजी के क्रेता उसके स्वामी हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, भौतिक पूंजी नाशवान है। तीसरा पॉइंट, भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। चौथा पॉइंट, भौतिक पूंजी उत्पादन का निर्जीव साधन है। मानवीय पूंजी को उसके स्वामी से अलग ही किया जाता। दूसरा पॉइंट, मानवीय पूंजी को कार्य क्षमता द्वारा बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानवीय पूंजी सक्रिय होती है। मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। जैसे भौतिक पूंजी धन पैसा निष्क्रिय होता है, पैसे गड्ढिया भर लीजिएगा तो वो बढ़ेगी न घटेगी, जैसे तैसे बनी रहेगी। जब तक किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगी उसका होना बेकार होता है। जब वो मनुष्य के संपर्क में आती है तभी उसको लाभ होगा, हानि होगी इत्यादि। धन्यवाद। बच्चों नमस्कार, आज मैं आपको अर्थशास्त्र का वही लेसन पढ़ा जा रहा है। जो लोग भी इस ऐप के संपर्क में हैं, कोर्स कर लें, कोई समस्या हो विद्यालय वाकर मिल लें। तो कापियाँ भी आए नहीं तो कल मंगाई जाएंगी, लिखी जाएंगी। यदि आप लिखेंगे नहीं तो याद कहाँ से करेंगे? तो बीच में आप परीक्षाएं होती रहेंगी, इसलिए सभी लोग पढ़ाई करें। देखें आगे उसने आर्थिक क्रियाएं क्रिया कहते हैं, यह कितनी वर्ग होती हैं आर्थिक क्रियाएं, यानी ऐसा काम जो पैसे के लिए किया जाता है। जैसे जब विद्यालय पढ़ाता है तो पैसे के लिए, मजदूर काम करता है कहीं पैसे के लिए। तो यह अर्थवाणी धन संबंधी होता है। वे सभी क्रियाएं जिनसे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव होता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यह क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल वर्धन करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, बाजार क्रियाएं गैर बाजार क्रियाएं। पहला है बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक मतलब वेतन
यह दुर्व्यवहार करने के पश्चात सांप को दिया जाता है का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सीमित होता है। सरकारी सेवा से कोई सरकारी मदद करता है, कोई भी मिट्टी में काम करता है, कोई और किसी का काम करता है, यानी जिसका उद्देश्य काम के बदले पैसा लेना है वो सरकारी है। सेकंड है गैर बाजार क्रियाएं। गैर बाजार क्रियाओं से तात्पर्य स्व लोग के लिए उत्पादन है, मतलब काम तो शुरू करना होता है लेकिन अपने उपयोग के लिए। जैसे आप कोई खेती करते हैं, गेहूं है, तो पहले आपका उद्देश्य है अपने लिए उसको एकत्र करना। हाँ यदि आवश्यकता से बाहर है तो आप उसको बाजार में बेचते हैं। गैर बाजार क्रियाओं से तात्पर्य स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वरेखा उत्पादन होता है। प्राथमिक उत्पादन जैसे कृषि है, वन है, मत्स्य पालन है, इस तरह से यानी जो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा हो गया उसको बेचते हैं, लेकिन जो अपनी आवश्यकता के लिए है उसका दरवाजा नहीं होती है और हमको बेचना नहीं है। हाँ यदि आवश्यकता से ज़्यादा हो गया तो हमने बाजार क्रियाओं और गैर बाजार क्रियाओं में अंतर स्पष्ट करें। बाजार क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और गैर बाजार क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य स्व उपभोग है। दूसरा पॉइंट, एक फर्म में श्रमिक द्वारा कार्य और शिक्षक द्वारा विद्यालय में पढ़ाना बाजार क्या है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग और अचल संपत्ति का स्वरेखा उत्पादन गैर बाजार क्या है। तीसरा पॉइंट, बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से दी गई क्रियाओं के लिए भुगतान किया जाता है, यानी चाहे वो मजदूर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे डॉक्टर हो, किसी को मंजूरी पर मिलता है, किसी को पढ़े मिलता है, वो इस तरह से गैर बाजार क्रियाओं में गैर बाजार क्रियाओं से प्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है, यानी अपनी पूर्ति के लिए। जैसे बताया ना आपको किसान का खेती करना, कोई फसल होना, यदि आवश्यकता से दी गए पहले उसका अपना उपयोग करता है, बाकी बात नहीं। उसने महिलाएं प्राय निम्न वेतन वाले कार्यों में ही क्यों नियुक्त होती हैं, या स्त्रियों को पुरुषों के समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता है। महिलाएं प्रायः निम्न वेतन वाले कार्यों में ही नियुक्त होती हैं क्योंकि परामर्श अधिकांश महिलाएं अकुशल होती हैं, अर्थात शिक्षित मान लीजिए या कोई टिपिकल पढ़ाई गाय में पीछे पहले का अवसर ऐसा नहीं है, उनकी साक्षरता दर निम्न है, इनको पढ़ाया नहीं जाता है, अभी शिक्षा
शिक्षण के लिए घर से बाहर नहीं जाती। नंबर एक तो पढ़ाई नहीं करती हैं, पढ़ाई कर लिया तो कहीं बाहर जाना है तो पहले तो स्वयं जाने तैयार नहीं होती है, कभी कभी माँ बाप भी नहीं जाने देते हैं। नंबर दो, अधिकांश महिलाएं अपने क्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं करना चाहती। नौकरी मिले तो अपने ही जिले मिले, जहाँ आए उनके आस पास मिले, बाहर हो गया तो स्वयं नहीं तैयार होते, घर वाले तैयार नहीं होते। महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है ऐसा माना जाता है। जिन कार्यों में शारीरिक श्रम की आवश्यकता अधिक होती है ऐसे कार्यों को महिलाएं नहीं कर सकती ऐसा माना जाता है। लेकिन वर्तमान में तो आपने देखा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक महिलाएं हुई हैं, IPS पायलट बहुत सारी कुछ पदों पर स्थितियाँ हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इनका ज़्यादा स्तर अच्छा नहीं है।